हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने लास्ट क्लास थी वो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल की अपने डेफिनेशन और एक फॉर्मूला था W इज इक्वल टू क्यू वी, वी इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, उसके ऊपर डिस्कस किया था। और अपने यूनिट कैलकुलेट करी थी पोटेंशियल की, ऐसा यूनिट क्या थी आपकी वोल्ट, और सेकेंडरी क्या निकाली थी अपने फॉर्मूला से कि जूल अपॉन कूलम। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते। उसमें सबसे पहले अपने लास्ट जो अपने स्टडी है उस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क कैलकुलेट करना है किसके लिए, एक मूविंग चार्ज है 2 कूलम का और वो अक्रॉस कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच में उसकी मूविंग है और उनके पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो अपन सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो तो अपन क्या शुरुआत कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग गिवन दैट। अपने को क्या मिला है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन, गिवन दैट क्या है, Q इज इक्वल टू 2 कूलम और V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, W आपको कैलकुलेट ही करना है। तो 3 क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज, वोल्टेज, वर्क। तो रिलेशन करो बिटवीन देम, तो रिलेशन होगा W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, W, Q और V, मतलब क्यू भी आपको पहले से दिया हुआ है, गिवन है, और वोल्टेज भी गिवन है। तो W इज इक्वल टू 2 × 12 है, इज इक्वल टू क्या हो गया 24 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया, किसी भी 2 कूलम चार्ज है वो उसकी मूविंग के लिए अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो इजी है, अगर आपको रिलेशन है, अगर जैसे देखो कभी न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करेंगे आप गिवन दैट, मतलब आपको ये चीज पहले सबसे स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए। लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, रिलेशन ऑटोमेटिकली ही माइंड में एक जनरेट होता है कि अपने अगर रिमेंबर है तो यहाँ से पता लग जाता है कि भाई क्यू अपने को गिवन है, वो वी है और डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली आपका माइंड से आंसर मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी और आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज अपना टॉपिक है वो सर्किट डायग्राम, आज अपना टॉपिक होगा वो सर्किट डायग्राम। ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर अपन डिजाइन करेंगे तो कौन से कंपोनेंट नेसेसरी है, कंपोनेंट के सिंबल क्या है और उनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप यूज करना है, चाहे आप अपने घर का सर्किट देख लीजिए, कहीं का भी हो कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें तो अपने सर्किट डिजाइन नेसेसरी होती है, विदाउट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी यूज पॉसिबल नहीं है। तो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनके बारे में अपन चर्चा करें, उनके सिंबल देखेंगे और उनका यूज भी। जैसे सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक सेल, कि एन इलेक्ट्रिक सेल है भाई, नॉर्मल है कि वोल्टेज सोर्स तो नेसेसरी है भाई सर्किट में, जहाँ से वोल्टेज आपको मिल सके आ सके। तो एन इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज क्या होता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सेल है वो यूज आता है आपके वोल्टेज सोर्स के लिए, किसके लिए आता है, वोल्टेज सोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो इस टाइप से होता है, टू नोड यूज करेंगे प्लस एंड माइनस, कि प्लस वाला जो टर्मिनल है उसको अपन थोड़ा सा लार्जर करते हैं, लार्जर देन माइनस। तो ये आपके इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, आपको रिमेंबर रहना चाहिए सर्किट में जब भी ये सिंबल दिखे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड लें कि इलेक्ट्रिक सेल की जगह हो सकता है बैटरी कनेक्टेड हो या इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन हो, तो अपन कह सकते हैं कि ए बैटरी, कि या तो बैटरी कनेक्ट हो या अपन क्या कह सकते हैं और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर एक साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो उस कंडीशन में आपका सिंबल कैसा होगा। अब सिंगल सेल का सिंबल तो आपको बता दिया, कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे आपके खूब सारे सेल होंगे, जैसे मान लो ये प्लस ये माइनस, सिंगल सेल, सेकेंडरी प्लस माइनस, थर्ड प्लस माइनस,
ऐसे आपका कॉम्बिनेशन चलेगा, तो ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस टर्मिनल। देखो इस कॉम्बिनेशन में आपको जो रिमेम्बर रखना है वो क्या है कि आपको पता है कि ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप कंटिन्यूसली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन चीज देखो कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकेंडरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। आप पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही नेगेटिव नेगेटिव। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करना हो तो एक का पॉजिटिव होगा, सेकंड का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, ठीक है। थर्ड है की, सर्किट में की भी नेसेसरी है तो अपन बात कर सकते हैं कि प्लग की, और इसको अपन बोल सकते हैं स्विच भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, अपन इसको क्या बोलते हैं, स्विच, ठीक है। अब स्विच है तो स्विच या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो पहले अपन ओपन का सिंबल देख लेते हैं। ओपन स्विच का जो सिंबल है वो आपका ये डिजाइन होती है, ओपन स्विच। और यही अगर क्लोज में हो, आपका प्लग की है लेकिन आपका स्विच क्या है, क्लोज और स्विच, और कंडीशन कैसे बता दी मैंने आपको, क्लोज वाली कंडीशन हो गई। तो क्लोज्ड अगर होगा तो उस कंडीशन में इसका सिंबल रहता सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक डॉट आ जाएगी। ये डॉट बता रहा है की के अंदर डॉट है, मतलब आपका सर्किट क्या है, क्लोज है, ठीक है। और अगर आपको वायर ज्वाइंट करने हैं तो ए वायर ज्वाइंट की, आपको वायरों वायर ज्वाइंट करें आप, तो वायर ज्वाइंट करेंगे तो नॉर्मल ज्वाइंट का जो इस टाइप से ऐसे जॉइंट का सिंबल है कि ये ठीक है, ये वायर जॉइंट है। तो हो सकता है कि ये, मतलब मैं आपको मिनिमम रिक्वायर बता रहा हूँ कि भाई कम से कम इतना तो जॉइंट भी बढ़ेंगे, दो वायर तो हो सकता है, तीन चार भी, तो यहाँ से एक और दो और भी दिखा सकते हैं। तो जहाँ से वायर जॉइंटिंग होती है, इस पॉइंट को अपन जंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। ये पॉइंट को अपन वर्ड होता है जंक्शन, सर्किट में जहाँ भी वायर कनेक्ट होंगे वो जंक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। अब एक है वायर क्रॉसिंग, कि वायर क्रॉसिंग है लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं है, तो अगला हो गया वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार निकल रहा है, तो वायर क्रॉसिंग है और विदाउट कनेक्शन होगा वो, विदाउट जॉइनिंग। कि जॉइंट हो जाएगा जब, तो फिर अपना ऊपर वाला जो सिंबल है वही काम आ जाएगा, तो यहाँ पर विदाउट जॉइनिंग है, ठीक है। तो विदाउट जॉइनिंग अगर आपको वायर है तो उस कंडीशन में आपका सिंबल इस टाइप से बनता है, ये एक सिंगल वायर जा रहा है, इस पे से कोई दूसरा वायर इसको क्रॉस कर रहा है, तो विदाउट जॉइनिंग है तो ये सिंबल इस टाइप से बनेगा। इस सिंबल से बनता है कि ये दो वायर आपस में क्रॉस तो हो रहे हैं लेकिन आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है, आप इनकी करंट आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकती, कि विदाउट जॉइनिंग का सिंबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब जुड़ा है तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपने बहुत बार देखा होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, छोटा है इस टाइप से, ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। अगला हो सकता है ए रेजिस्टेंस, किसका हो सकता है, रेजिस्टेंस का। अगला सिंबल अपन बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं रेजिस्टेंस को, उसका सिंबल इस टाइप से होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और सिंबल होता है ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, रियोस्टेट का हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, तो अपन बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस या, और इसको क्या बोल सकते हैं दूसरा सेकंड, रियोस्टेट। इसका रियोस्टेट का यूज क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, आपको सर्किट में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर अपने को करंट चाहिए, रियोस्टेट क्या कहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अपन इसकी का यूज करके रेजिस्टेंस की इंक्रीज या डिक्रीज करके सर्किट की करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये करंट कंट्रोल यूनिट है कि आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आप रियोस्टेट से ज़्यादा करंट भी भेज सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इस कारण इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट या यूं भी कह सकते हो करंट कंट्रोलर है। इसका सिंबल वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल तो इस टाइप का होता है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, और रियोस्टेट का आपको सर्किट में इस टाइप से सिंबल मिलेगा, ये आपका रियोस्टेट का सिंबल मिलेगा, ठीक है।
तो यूज समझ में आ गया होगा आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का क्या यूज होता है, आपको की करंट कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। और सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर और वोल्टमीटर के सिंबल भी देख लेते हैं। एमीटर का यूज क्या होता है, करंट को मेजर करना, एमीटर है वो करंट को मेजर करता है, मेजरमेंट का काम है करंट का प्लस माइनस। ऐसे वोल्टमीटर है वो किसका मेजरमेंट करेगा, वोल्टेज का। दूसरा हो गया वोल्टमीटर, तो इसका यूज किस में आता है, वोल्टेज के मेजरमेंट में, ये प्लस ये माइनस। ए मतलब एमीटर, वी मतलब वोल्टमीटर है। एमीटर का यूज बता दिया मैंने आपको, करंट मेजरमेंट, वोल्टमीटर का यूज वोल्टेज मेजरमेंट, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज क्या होता है आपको कि करंट को सर्किट में कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ सिंबल है, तो आपको जैसे एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और वैसे आप सर्किट में बार बार अभी यूज करते हैं, सर्किट सोल्व करते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को याद हो जाएंगे। तो ये सर्किट डायग्राम के आपके ये चीज़ है, ठीक है। अब अपन जो सेकेंडरी टॉपिक लेते हैं वो आज का है ओम्स लॉ। किसको लेते हैं, ओम्स लॉ, ठीक भाई, आप भी जानते हो बहुत मोस्ट है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है वो बहुत मोस्ट है, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ओम्स लॉ रियल में क्या कि वोल्टेज और करंट, ओम्स लॉ क्या था, साइंटिस्ट का नाम है ओम, तो ओम्स है, ओम्स लॉ है वो, ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिलेशन क्रिएट किया था किसके बिटवीन, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के जो बीच का जो रिलेशन है उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये भाई ओम्स लॉ किसके लिए है, तो अपन कह सकते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल द पोटेंशियल रिलेशन किसके बीच में है, द रिलेशन द बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, एंड द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो ये आपके इसके बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम आता है, किसके आता है कि कोई भी आपके कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कोई भी कंडक्टर वायर है उसमें कोई भी टू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उस वायर में फ्लो ऑफ करंट है उनके बीच का रिलेशनशिप करता है कौन, ओम्स लॉ। तो ये ध्यान रखिएगा ओम्स लॉ का यूज क्या है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा कि अपन कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द, कि कोई भी वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द, अब देखो लंबी जो डेफिनेशन बनाए या शॉर्ट में बनाए ये भी अपने पे डिपेंड करेगा कि अपने एक तो क्या लेंथी करें और एक क्या होगा कि अपने इसको शॉर्ट में कर लें, ठीक है। तो आप, आपको जितना रिमेंबर हो एग्जाम में उतना लिख देना, लेकिन अपना यहाँ पर एक्सप्लेन कंप्लीटली करेंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ओम्स ने, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई एंड फ्लोइंग द मेटलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल, ठीक है। अब क्या था कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्लो ऑफ करंट, कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, करंट के। तो ओम्स ने कहा कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, कि आपका जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे लॉ की बात करें तो V और I के बीच का रिलेशन तो ओम्स ने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसने कहा था कि जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चराइजेशन, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। ओम्स लॉ के लिए ये एक नेसेसरी है कि आप टेम्परेचर है उसको तो जरूर कांस्टेंट रखें, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में दिक्कत यह है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसका इसमें अपन कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, कहाँ पर अपन बोलेंगे,
कि टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए सेम। तो अपने यहाँ पे कह सकते हैं टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की कंडीशन में किसी भी सर्किट के लिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आई होता है कि फ्लो ऑफ करंट है और कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी गिवन वो आपको कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लिया V, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द Across the given metallic wire in an electric circuit, ठीक है, electric circuit is directly proportional directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, यह ओम्स लॉ था कि ओम्स लॉ ने कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो अक्रॉस गिवन मेटलिक वायर, कोई भी मेटलिक वायर है उसके लिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, प्रोवाइड, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आई, ये ओम्स लॉ था। ठीक है, और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया बेसिकली आपको टेम्परेचर को जानेंगे कि टेम्परेचर सेम रहे, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो उस कंडीशन में ये रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई रिलेशन है फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि अगर दोनों अगर प्रोपोर्शनल है तो इनका जो रेशियो है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कि आप भी जानते हो इससे क्या हुआ कि आई इंक्रीज वी इंक्रीज, वी इंक्रीज आई इंक्रीज, समझ रहे हो आप कि ये दोनों प्रोपोर्शनल, तो अगर आप एक भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट किसी को भी अगर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा सेकेंडरी क्वांटिटी भी सेम रेशियो के अंदर क्या होगी इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे आपने वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी डबल, वोल्टेज को हाफ कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी हाफ। तो इन दोनों रिलेशन क्या है रेशो वोल्टेज और करंट का रेशो वो क्या हमेशा रहेगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को यहां पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर से, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर है वो एक कांस्टेंट है रिलेशन कांस्टेंट रिलेशनशिप का कांस्टेंट आ रहा है किसके लिए ओम्स लॉ। तो आर कौन आपका ओम्स लॉ का कांस्टेंट, और इसका सेकेंडरी नाम है वो होता है रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का एक नाम और होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से अपना संबंध आ गया V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका कंप्लीट ओम्स रिलेशन है कि V और I के अंदर रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर। V और I का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिजिक्स जो अपनी है उसके अंदर प्रोपोर्शनल साइन को जब भी आप रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल साइन रिमूव होगा तो हमेशा एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, और यहाँ कांस्टेंट किसको यूज किया R को, और R क्या है रेजिस्टेंस है। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें कोई दो फिजिकल क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल है उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे एक पर वी ले लिया और एक पर क्या ले लिया आई, तो ये आपका ग्राफ है उनके बीच में क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो आपकी यूनिट है इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओम, यूनिट क्या है ओम,
और इसका सिंबल इस टाइप से होता है। रिले यूनिट क्या है? ओम रजिस्टर इसकी यूनिट। आपके जो साइंटिस्ट है जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं के नाम पर दी हुई है, उन्हीं के मतलब उनके आप यूँ कह सकते हो उनको उनके सम्मान में ये यूनिट आई है ओम, तो और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की हुई है। अब देखो यहाँ से अगर आपको बाई चांस कई बार वन ओम की डेफिनेशन पूछ लें, आपसे कहेगी वन ओम, तो आप क्या कहोगे? वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। भाई यहाँ से आ गया ना आर इज इक्वल टू क्या हो गया? वी अपॉन आई। तो यहाँ से अगर आप देखो कि वन ओम, तो आप क्या कहोगे? वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। तो अपने यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन कहेंगे इफ पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is one volt, ठीक है, कितना? one volt है, and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, ठीक है। हमने कहा कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, कोई भी टू पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टर के लिए टू पॉइंट के बीच का कितना है? 1 volt, एंड द करंट थ्रू इट, और उस कंडक्टर वायर में से करंट थ्रू जो जा रही है, करंट पास हो रही है, वो कितनी है? 1 ampere। देन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का, उस वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 1 ohm के। कई बार आपसे 1 ohm की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ओम्स ला क्या है कि ओम्स ला गया कि फिजिकल जो एटमॉस्फेयर है उसको कांस्टेंट बेसिकली टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में कोई भी सर्किट में के लिए, एनी सर्किट के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं कि सर्किट के लिए कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, कि आपके सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपके वोल्टेज पे, और किसके? डायरेक्टली कर रही है, ठीक है। तो वो सेंस क्या हुआ कि आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होने जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोपोर्शनल मतलब बराबर। तो वोल्टेज और करंट का रेशो क्या रहेगा? हमेशा कॉन्स्टेंट। वोल्टेज और करंट का रेशो ओम्स लॉ में क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। उस कॉन्स्टेंट को अपन ने क्या दिया? कैपिटल आर नाम, जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने ऐसा यूनिट क्या बताई? ओम। यूनिट क्या है? ओम, ठीक है। फिर अपने कहा कि वी और आई क्या है? प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल फिजिकली क्वांटिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। तो इनका वोल्टेज और करंट में ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ क्या आएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। आप समझ गए क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज डबल है तो करंट भी डबल है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कई बार आपको एग्जाम में 1 ohm की आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं 1 ohm इज इक्वल टू क्या? 1 volt अपॉन 1 ampere। सेंस क्या हुआ कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है किसी की टू एंड्स के बीच में, वो क्या है? कंडक्टर में कोई भी टू एंड्स है, टू नोड है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt है, एंड फ्लो ऑफ करंट इज 1 ampere, देन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ohm। कि तार में अगर 1 volt 1 ampere करंट फ्लो हो रही है और उसके टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है? 1 volt है, तो उस कंडीशन में उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ohm, ठीक है। तो आज अपनी जो क्लास थी उसके अंदर एक तो ओम्स लॉ अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है, बहुत मोस्ट है, आपको देखना है। और सेकेंडरी अपन ने कि जो आपको किसमें सर्किट के लिए जो आपको मैंने सिंबल बताए थे, तो आपको बेसिकली सिंगल बैटरी, सिंगल सेल का, सेल कॉम्बिनेशन या बैटरी का, ये कौन है? ओपन की, क्लोज की, ये हो गया आपका जॉइनिंग। सर्किट में अगर आप जॉइंट करते हैं तो इस टाइप से होता है, जॉइंट वाले पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। ये आपका कौन सा है कि आपको वायर क्रॉसिंग है विदाउट जॉइनिंग है, ये बल्ब का सिंबल है, रेजिस्टेंस का, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।